असलकम स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि अगर कोई आइडिया जो है वो वायबल है तो हम उसको अपॉर्चुनिटी करार देते हैं अपॉर्चुनिटी जो है वो कैसे तय होगा कि उसमें पोटेंशियल है उस आइडिया में पोटेंशियल है अपॉर्चुनिटी करार पाने का मुख्तलिफ तरह के पोटेंशियल हो सकते हैं इस मॉड्यूल में हम सोशल वैल्यू पोटेंशियल की बात करेंगे So, किसी आइडिया के सोशल वैल्यू पोटेंशियल को असेस करने के लिए हम पांच क्राइटेरिया जो है वो इस्तेमाल करते हैं उसमें नंबर वन है सोशल नीड कि जो आइडिया है उसको किसी सोशल नीड को पूरा करना चाहिए ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कारोबारी हजरात जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएं जिसकी लोगों को ज़रूरत ना हो अगर वो ऐसा करेंगे तो वो थोड़े दिनों में कारोबार से बाहर हो जाएंगे अपना सरमाया भी ज़ाया करेंगे और किसी का भला भी नहीं होगा किसी की ज़रूरत भी पूरी नहीं होगी बिल्कुल इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस इंट्रोड्यूस कराता है जो लोगों की कोई सोशल नीड पूरी नहीं करती तो ऐसा आइडिया जो है उसकी हम कहते हैं कि उसका सोशल वैल्यू पोटेंशियल जो है वो कम है या नहीं है उसको अपर्चुनिटी के तौर पे अवेल नहीं करना चाहिए दूसरा क्राइटेरियन जो है वो है अलाइनमेंट विद द मिशन के एक आइडिया जो है वो उस वक्त अपॉर्चुनिटी है उसकी जो सोशल वैल्यू पोटेंशियल है वो उसका उस अलाइनमेंट जो है आइडिया की उसके सोशल मिशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन के या एंटरप्रेन्योर के होना चाहिए इससे क्या मुराद है इससे मुराद ये है कि मूमन ये चीज़ जो है वो उन लोगों को फेस करना पड़ती है जो ऑलरेडी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हों और उनके सामने कोई नया आइडिया आए और वो उसको अवेल करना चाहते होंज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड टू इंक्रीज देयर सर्विसज़ टू इंक्रीज़ देयर आउटरीच तो उनका एक पहले से मिशन होता है जिसके जरिए उन्होंने जिसको सामने रख के उन्होंने वो सोशल इंटरप्रेन जो है वो स्टार्ट किया होता है तो ये नया आइडिया जो है वो अलाइंड है उस मिशन के साथ या नहीं उसको जानने का तरीक़ा जो है आसान सा वो ये है कि अगर तो उस आइडिया की इम्प्लीमेंटेशन से रिसोर्स जो हैं वो मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इट्स अ बैड आइडिया इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी इसको अवेल नहीं करना चाहिए इसका सोशल पोटेंशियल नहीं है लेकिन अगर वो आइडिया जो है उसको वो मिशन के साथ अलाइंट है वो उन्हीं रिसोर्स में जो पहले हैं सोशल इम्पेक्ट को बढ़ा रहा है आउटरीच को बढ़ा रहा है सर्विसेज जो है वो बेहतर हो रही हैं या सोशल इम्पैक्ट किसी तरह से बेहतर हो रहा है तो वो आइडिया जो है उसका सोशल वैल्यू पोटेंशियल है उसको एज एन अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहिए तीसरा क्राइटेरिया जो है वो है अचीवेबल इम्पैक्ट ये थोड़ा सा ट्रिकी है अब किसी भी आइडिया का जो अचीवेबल इम्पैक्ट है वो उसको इंप्लीमेंट करने से पहले तो देखा नहीं जा सकता ना बहुत नोवल आइडियाज़ होते हैं लोगों के पास और वो कहते हैं कि हमें एक मौका दो इसको इम्प्लीमेंट करने का हम दिखाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा पहले ही कि उसका सोशल वैल्यू पोटेंशियल है उसका कोई इम्पेक्ट जो है अचीवेबल है कि नहीं है इसको जानने का एक तरीका जो है वो कंपेरेबल जो और सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनकी स्टडी हो सकता है सोशल एंटरप्राइजेस नहीं भी हैं तो कोई सोशल सर्विस है कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वो काम कर रही है कोई बिजनेस वो प्रोडक्ट या सर्विस फॉर प्रॉफिट दे रहा है तो एक कंपैरिजन के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो डिज़ायर्ड इम्पेक्ट है वो आएगा या नहीं आएगा अगर वो कंपैरिजन जो कंपैरेटिव स्टडी है उससे आपको अंदाज़ा होता है सोशल एंटरप्रेन्योर के आइडिया में पोटेंशियल वैल्यू है तो आप उसको एज अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं अदरवाइज नहीं चौथा क्राइटेरिया जो है वो सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे बिजनेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है हर बिजनेस जो है वो एक डॉलर जो खर्च करता है वो उस पर उससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो इसलिए खर्च नहीं करता कि उसे उसका एक डॉलर वापस मिल जाएगा या 50 सेंट्स वापस मिलेंगे ब्रेक इवन या लॉस के लिए बिजनेसमैन जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते तो बिजनेस में तो बहुत आसान है कि डॉलर के बदले में दो डॉलर तीन डॉलर चार डॉलर आए लेकिन सोशल इम्पेक्ट के हवाले से मयमेंट जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है उसको मोनिटाइज करना जो है वो एक ट्रिकी काम है कि फॉर एग्जांपल एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो डिज़ास्टर रिलीफ में काम कर रहा है उसका जो रिटर्न है उसकी इन्वेस्टमेंट का जो उसने सारा खर्चा किया है लोगों की जिंदगियां बचाने पे तो आप कैसे मॉनेटाइज करेंगे एक ज़िंदगी जो बचाई जाती है उस पर आप क्या डॉलर वैल्यू रखेंगे ये वर्क इन प्रोग्रेस है इस पर अभी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काम हो रहा है कि कैसे इस चीज़ को मोनिटाइज किया जाए कैसे उसकी वैल्यू जो है उसको असेस किया जा सकता है इवन दो लाइफ्स जो आप बचाते हैं उनमें बहुत फ़र्क है उनकी वैल्यू में एक अकेला शख्स है जिसकी ज़िंदगी बचाई उसके अपने लिए हर ह्यूमन लाइफ इम्पोर्टेंट है लेकिन एक ऐसे शख्स की जिंदगी अगर बचाई गई जिसके तीन बच्चे हैं बीवी है बूढ़े माँ बाप हैं और वो उन सब के लिए अकेला ब्रेड अर्नर है तो आपने एक्चुअली तीन चार पाँच और लोगों की जिंदगी जो है वो महफूज की है प्रोबेबली इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इस लिहाज से सोशल एंटरप्रन जो हैं वो अभी ये जो सोशल इम्पेक्ट है या रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है इसको मोनिटाइज करने के तरीकों के ऊपर अभी काम जारी है आखिरी क्राइटेरिया जो सोशल एंटरप्रोर्स यूज़ करते हैं आइडिया की सोशल वैल्यू पोटेंशियल देखने के लिए वो कम्युनिटी सपोर्ट है आफ्टर ऑल हर आइडिया जो है वो एज एन अपॉर्चुनिटी इम्प्लीमेंट होता है कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी एक स्टेक होल्डर है ना सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज अवेल करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर से बल्कि वो जो एक टोटल इम्पेक्ट आता है माशरे में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है जो पॉजिटिव चेंज आता है एक वर्नरेबल इंडिविजुअल या ग्रुप या कम्युनिटी जो है उसको अगर एक सर्विस मिल रही है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो रही है और उससे पूरी सोसाइटी में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है तो कम्युनिटी एक मेजर स्टेक होल्डर है तो अगर किसी आइडिया के लिए खा वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो उस पर कितना ही रिटर्न क्यों ना एक्सपेक्टेड हो अगर कम्युनिटी उसको सपोर्ट नहीं करती कम्युनिटी में उसकी रिसेप्शन नहीं है तो उसकी सोशल वैल्यू जो है वो हम कहते हैं कि नहीं है उस आइडिया को बतौर अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करना चाहिए इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बहुत आसान लोन की बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की बात करते हैं अगर हम काल मार्क्स के हवाले से पाकिस्तान में कहें कि जी मसावत होनी चाहिए मुशी तो बहुत सारे लोग जो हैं उस पर नहीं, नहीं, नहीं ये तो बिल्कुल लादीन था और ये हमारी तलीमत से मज़बी तालीमात से मुताबिक नहीं है वग़ैरह वग़ैरह लेकिन जब उसी माशी मसावत की बात अख़ुवत या मौात की इस्लामी तालीमत के मुताबिक दी जाती है तो लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल है सो so, कम्युनिटी के जो फ़िलोसॉफिकल बिलीव्स हैं जो उनके रिलीजियस आइडियाज़ हैं जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं आइडिया को अगर तो उसके वो मुताबिक है कम्युनिटी उसको सपोर्ट करती है तो फिर वो एक अपॉर्चुनिटी है फिर उसकी सोशल वैल्यू पोटेंशियल है बतौर एक अपॉर्चुनिटी के अदरवाइज़ का कितना ही मैं दोबारा कह रही हूँ का कितना ही रिटर्न क्यों ना हो का कितना ही इम्पैक्ट आप क्यों ना फोरकास्ट कर रहे अगर कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं है तो आप कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर उसके भले के लिए कुछ नहीं कर सकते ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि कोई शख्स ख़ुदकुशी के लिए समंदर में कूदा है और आप उसे जान बचाने के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं शुक्रिया